बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रिजवान अमीन और आप देख रहे हैं लेंस ऑफ हादी। आज मैं आया हूँ डेनिका के साथ शालामार बाग में। अगर फॉरेनर के साथ आते हैं तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेनिका की टिकट ली है उन्होंने, मेरी और फीज़ा की टिकट उन्होंने नहीं ली। उन्होंने बोला आप चले जाएँ। वैसे यहाँ की 20 रुपए पाकिस्तानी टिकट है। और डेनिका को मैंने देखे आज पाकिस्तानी ड्रेस भी पहना है। डेनिका, मे बी यू फील टायर्ड? नो, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सो पाकिस्तान ब्यूटीफुल और नो? या ऑफ कोर्स, आई विल कम बैक अगेन। यू कम बैक अगेन? या। व्हेन यू कम बैक अगेन, यू Again come to my house. Yeah, of course. I come for you. तो आज हम अपने गाँव में भी जाएंगे, वहाँ जाकर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो गया है, वो इस वजह से कि कल भी परसों भी मैं 3-4 दिन से किसी और एक मैंने यानी प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा ना गला ख़राब हो गया है। वो वहाँ जाकर भी मैं वीडियो बनाता रहा हूँ। चलें ऐसे कर लें। हाँ जी, जब ये बना था सन 1646 में, 1 साल 4 महीने 5 दिन में। उसमें खर्चे आए 6 लाख रुपए। इस पर 2 लाख खर्चे हैं इसकी फुहारों और नहरों से, 4 लाख खर्चे हैं इसकी सड़कों, इमारतों, 4 दीवारी पे। इसकी किसी इमारत में सरिया इस्तेमाल नहीं है। ये उस वक्त जो 410 सुरंग थे सभी बगैर लाइट के चलते थे। इनके नीचे जो पाइपलाइन और मट्टी को कैसे चलते थे, इनके लिए पानी बैल जोड़ के टैंक में डाले जाते थे, टैंक के साथ चलते थे, या इसमें पानी जमा करके इस पानी के साथ निकलते थे और इस पानी के साथ एंड वाले चलते थे। उसके बाद ये जाली पुरानी जानी है, ये फर्श सन 1973 में लगे इस्लामिक काल में चुकी है। और जो रिंग लगी है इसके साथ पर्दे लगाए जाते थे, ये 6 कमरे बन गए थे। आप जहाँ खड़े हैं इसी से नाम है फरा बख्श, इसे आगे जो 14 फुट डाउन है इसका नाम है फैज बख्श, इसे आगे 12 फुट डाउन है इसका नाम है हयात बख्श। फरा बख्श मकसद ये था कि रॉयल फैमिली के लिए फल होते थे, फैज बख्श में रक्स होता था, हयात बख्श में हर फल दुनिया का पाया जाता था। ये जो फर्श ना दोनों साइडों ये पुराना जानी है, जो सुरख फर्श है ये पुराना जानी है। इसमें इस्तेमाल हो रही है चनिया की दाल, माश की, मूंगी की, मसूर की, पटसन, चूना, उस दौर में फर्श के अंदर। हाँ जी, ये जो सुरख फर्श है ये था तख्त शाही जहाँ के निशा जहाँ बेगम मुमताज़ बैठते थे, संडल में सब बड़ा उसमें रेक्स होता था। जो लाल कलर के बारे में दोनों साइड में बैठ कर तबला संगी बजाया जाता था, वो जो वाइट कलर की है उसमें खड़े होकर बिगल बजाया जाता था। जो सुराख में उमूरे हैं उनसे पानी आगे जाता, जो छेड़ से नीचे गिरता, तीनों साइडों से कैंडल जलाए जाते थे। उसके साथ फंड के चलते वो समा पैदा करते थे मौन सन। और उसके बाद उसके आगे एक पीस है मार्बल का, जो 1 पीस मार्बल है, वो राजस्थान से बैलगाड़ी में 6 माउंट सकते हैं। ये जोड़ लगे हैं, ये जोड़ पुराने जानी है मुगल के दौर, ये जोड़ तांबे के, ये पुराने जानी है। और उसके बाद इसका मस्जिद अली शहर से गेट है, वो लाहौरी गेट है, तो ऐसा वो दिल्ली गेट है। ये लखनऊ शहर लाहौर से 5 मील बैठ था। ठीक है, एक साइड में लाहौरी गेट है जी, ये दिल्ली गेट है। ठीक ठीक। और ये वाली जो बिल्डिंग बनी है रजीत सिंह के दौरे बनी थी 1825 में, इसके नीचे जाने के दरवाजा से बैठ सामने कुआं था। जब कुआं बैठ जो चलता था तो बफरे के साथ पानी पड़ा था, फिर नीचे गिरता तो खिड़की से अंदर ठंडी बात। तो अभी वो कुआं देख सकते हैं? हाँ, मैं दिखाता हूँ। आज ये इसका जैनियन कलर निकल हो रहे, ये जो छत का कलर है ये जैनियन है, इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की। ये लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत है। तो यानी ये जो फुहारे लगे हुए हैं ये वाले भी उसी वक्त के लगे हुए हैं, कुछ चेंज नहीं किया गया? कुछ नहीं चेंज किया। इसके नीचे पाइपलाइन की है, मट्टी की पाइपलाइन है जिससे पानी गुजरता है। मैं वो भी दिखा के लाता हूँ, वो नीचे। ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये मोर क्राफ्ट है और इसको तमीर करवाया था रंजीत ने, और ये 1820 में स्टार्ट हुई और 1825 यानी 5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हो गई थी। इसका शायद ये दरवाज़ा है मगर इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर ये कुआँ है, इस कुएँ के अंदर पानी आता था और इस कुएँ को यानी कि एसी के तौर पर बनाया गया था। ठीक है, यानी ये कुआँ सिर्फ और सिर्फ एसी का काम। वेरी गुड, यानी उस दौर के बादशाहों ने भी अपने ऐसी बनाया। ठीक ठीक। ये वाला जो रास्ता जहाँ एलिफेंटपुर आते थे, ये वाला रास्ता जहाँ दरबार पर आते थे, इसका अंडरग्राउंड रास्ता सन 1973 में ग्रो हुए थे।
ठीक है, अंडरग्राउंड जो रास्ता है ये 1970 नहीं है। ठीक है, यानी ये जो छेड़ बनाया गया है इसके अंदर सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बंद कर दो इस वास्ते सेल कर देंगे, तो उसमें हमला करे अंदर को भी चलो लाहौर फोन शाही किले शीश बंद हो जाएगा, क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से शाही किला कितनी दूर है? इसे 5 मील दूर था इससे। ठीक है, ठीक। जो ये इसका जो मतलब ना एक पीस मार्बल का वो ये है, और ये इतना इतना पीस है जो हाथ से उठा के लग गया, उसके बाद मशीन ये पुराना जैनियन फर्श है, इसे दर्जों से निकला चिट्टा चूना। ठीक है, ये जो फर्श लगाया गया उसी दौर का है, क्योंकि मार्बल जो हवा लगे तो गलता है पक्के पीछे ऐसे वन पीस मार्बल इसमें काला पत्थर बड़ा ये लग गया, ये 17.5 फुट ऐसे रुक है, 17.5 फुट ऐसे रुक है। ठीक है, इससे पानी गुजरता तो ऐसी निकासी पैदा करते जो बारिश पड़ती है। ठीक ठीक, इससे सिर्फ 14 फुट डाउन आ गए हैं, जहाँ खड़े हैं इससे आगे वो 12 फुट डाउन है। ठीक, ये ऐसे बगैर लाइट के सभी चलते थे। बात समझ आ रही है? जहाँ मैंने शेडो में बैठ के तबला संगीत भी जाया जाता है, इतनी उसकी आवाज़ थी उतना छत का साउंड पैदा होता बस, और ये था तख्ते शाही जहाँ वो बैठते थे, वो सेंटर में रख होता। ठीक है, थैंक्स। इस पानी के अंदर ना छोटी छोटी सी मछलियाँ भी हैं, तो बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पर वो सामने जो है बादशाह और उसकी बीवी बैठा करते थे, ऊपर से पानी गिरता था तो वो बारिश की तरह का समा बन जाता था, तो यहाँ पर यहाँ फवारे चलते थे, और वो जो सेंटर में है वहाँ पर लड़कियाँ रक्स करती थी, और वो जो है और ये जो सामने है यहाँ पर बैठ जाते थे जो यानी म्यूज़िक वगैरह प्ले करते थे, उस टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक तो नहीं था जिसकी वजह से वो तबला वगैरह होता होगा तो वो इधर बजाया जाता था, और वो जो सामने दो कमरे हैं वहाँ पर बज़र लगाई गई थी, वो बज़र इसलिए थी जब बादशाह की आमद होती थी या वर्कर्स को छुट्टी हो जाती थी तो वहाँ से उनको अलर्ट किया जाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दैनिका यू स्पीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड यू स्पीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।